सेक्शन 340 सीआरपीसी भारतीय कानून और यहाँ की कोर्ट्स का एक बड़ा तिलस्म रहा है। लोग बाग रोज इसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट का कोई नया कानून सामने आ जाता है या फिर जिस ट्रायल कोर्ट के सामने सेक्शन 340 की एप्लीकेशन लगाई जाती है, वहाँ भी अजीबोगरीब हादसे और वहाँ भी अजीबोगरीब निर्णय देखने में आते हैं। जिन ट्रायल जजों को कुछ समझ नहीं होती, वे बहुत अजीब फैसले कर देते हैं। एक केस में पार्टी ने सेक्शन 340 सीआरपीसी की अर्जी लगाई तो ट्रायल जज साहब ने लिखकर आगे कंप्लेंट करने की बजाय खुद रेस्पोंडेंट के खिलाफ एक्शन ले लिया। हाई कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर दिया। इसका नुकसान एप्लीकेंट को हुआ। इसलिए इंडियन लीगल सिस्टम की कोशिश यह है कि इस वीडियो में यह सीखा जाए कि पहली बात, किन परिस्थितियों में सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। दूसरा, एप्लीकेशन में पार्टीज और उनके एडवोकेट्स की क्या गलती रहती है। तीसरा, सेक्शन 340 सीआरपीसी केसेस में जज आमतौर से क्या गलती करते हैं। इसका लास्ट पॉइंट होगा, सेक्शन 340 सीआरपीसी की एक फॉर्मेट एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। इसके बाद जब यह वीडियो आप देख लेंगे, इसके बाद आपको यह कानून सीखने में बहुत मदद हो पाएगी। सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट के साथ कोर्ट प्रोसेस के दौरान किए जाने वाले झूठे बयानों और फर्जी दस्तावेजों के अपराध को रोकने के लिए है, जिसका मूल आधार यह है कि जिन झूठे बयानों और फर्जी दस्तावेजों से न्याय हित प्रभावित हुआ हो, उनको लेकर वह कोर्ट जिसमें झूठे बयान और फर्जी दस्तावेज दाखिल किए गए हो, एक इंक्वायरी करे और यदि वह पाए कि उपरोक्त अपराध हुआ है तो अपनी फाइंडिंग को एक कंप्लेंट के रूप में लिखकर साइन करके आरोपी पार्टी को उस मजिस्ट्रेट के सामने भेज दे जिसके पास उस अपराध का ज्यूरिसडिक्शन हो। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वाशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जाने। सवाल है कि किन अपराधों के लिए सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई जाती है। जवाब है, सेक्शन 340 सीआरपीसी में लिखा है, एनी ऑफेंस रेफर्ड टू इन क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 195, यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 195 के सब सेक्शन 1 के पार्ट बी में दिए गए अपराध, जब कोर्ट में किसी केस को चलाने के दौरान उस केस में सेक्शन 195(1)(b) सीआरपीसी में वर्णित अपराध किसी भी पार्टी के द्वारा किए जाते हैं, तो दूसरी पार्टी सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा सकती है कि कोर्ट में उक्त अपराध किए गए हैं। सवाल है कि सेक्शन 195(1)(b) सीआरपीसी में कौन कौन से अपराध वर्णित हैं जिनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान करने पर कोर्ट में सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। जवाब है, सेक्शन 195(1)(b) सीआरपीसी में तीन तरह के अपराधों का वर्णन मिलता है। पहले प्रकार के अपराध हैं सेक्शन 193 से 196, 199, 200, 205 से लेकर 211 तक और 228, जो चैप्टर 11 आईपीसी में दिए गए हैं। दूसरे प्रकार के अपराध हैं जिनमें फर्जी दस्तावेजों को बनाना और उन्हें इस्तेमाल करना आता है। ये सेक्शन 463, 471, 475, 476 आईपीसी में चैप्टर 18 ऑफ आईपीसी में दिए गए हैं। तीसरी श्रेणी में अपराध ही नहीं बल्कि अपराधों को करने की साजिश, प्रयत्न या उनका उकसावा, यह भी दंडनीय बना दिया गया है। जब ये तीन प्रकार के अपराध में से कोई भी अपराध कोर्ट प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा तो प्रभावित पार्टी को यह अधिकार होगा कि वह कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाए कि आपकी प्रोसेस में इस प्रकार के अपराध किए गए हैं और 340 की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। सवाल है, कितना अपराध हो चुकने के बाद सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाने का सही समय आता है, यानी कि
जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है वो कितना होना चाहिए। जवाब है कि 340 की पूरी कार्रवाई के दौरान कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह कोर्ट जिसमें 340 की एप्लीकेशन लगाई जाती है, वह कोर्ट ही यह तय करता है कि किस एविडेंस को 340 की कार्रवाई शुरू करने के लायक क्रेडिबल एविडेंस माना जाए। वह केवल दोषी पार्टी की एप्लीकेशन, प्लेंट, जवाब दावा या किसी भी एफिडेविट को भी फर्जीवाड़ा मान सकता है, या फिर वह तब तक इंतजार कर सकता है जब तक कि उचित एविडेंस उस एप्लीकेशन, प्लेंट, जवाब दावा या एफिडेविट के सपोर्ट में लगाया जाता है। यह उस कोर्ट का विशेष अधिकार है, उसकी विशेष शक्ति है। सेक्शन 340 सीआरपीसी की भाषा में कोर्ट की शक्तियों का आह्वान तब किया जा सकता है जब कोर्ट को लगे कि उसकी प्रोसीडिंग्स यानी कार्रवाई के दौरान वे अपराध किए गए हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की है, या फिर कोर्ट को लगे कि उसके सामने दाखिल किसी दस्तावेज को लेकर वैसा फर्जीवाड़ा किया गया है। इस पूरे सेक्शन 340 सीआरपीसी में कोर्ट को क्या लगता है, इसकी भूमिका केंद्रीय रखी गई है। यह माना जाता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रति द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर सकती हैं, व्यवहार से एक दूसरे के प्रति आचरण कर सकती हैं, लेकिन कोर्ट का कार्य सदैव न्यायहित में होगा, इसलिए केंद्रीय भूमिका कोर्ट की रहती है। सवाल है कि कोर्ट का कार्य सदैव न्यायहित में होगा, इस बात का क्या मतलब है? जवाब है कि सेक्शन 340 सीआरपीसी या कहीं सेक्शन 195 सीआरपीसी उन अपराधों के लिए हैं जो या तो चैप्टर 11 आईपीसी के अपराध हों जिनमें झूठा साक्ष्य एवं सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध आते हैं, या फिर चैप्टर 18 आईपीसी के अपराध हों जिनमें दस्तावेजों व सांपत्तिक चिन्हों संबंधी अपराध आते हैं, या इन दोनों तरह के अपराधों के लिए की जाने वाली साजिश, प्रयास या उकसावे की कार्रवाई आती है। अतः पूरे सेक्शन 340 में वही अपराध रखे गए हैं जिनका सार्वजनिक महत्व होता है। किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के लिए ये अपराध प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि पूरे समाज और यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को भी ये अपराध एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, तो कोर्ट को ही इसका प्रहरी बनाया गया है। सवाल है कि 340 की एप्लीकेशन के बाद कोर्ट क्या इंक्वायरी करता है? 340 की एप्लीकेशन आने के बाद कोर्ट को संतुष्ट होने की विशेष शक्ति दी गई है कि सेक्शन 340 सीआरपीसी के सब अवयव पूरे होते हैं या नहीं होते। अवयव माने ऊपर बताई गई सब कानूनी आवश्यकताएं। अपराधों का क्षेत्र वही है या नहीं है, अपराध होता हुआ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, किसी व्यक्ति का निजी हित तो पूरा नहीं हो रहा है, सार्वजनिक न्याय के लिए जरूरी है या नहीं है, ऐसी इंक्वायरी में उस पार्टी को बुलाना और शामिल करना जरूरी नहीं होता जिसके विरुद्ध अपराध लगाया गया हो, लेकिन यदि वह पहले से कार्रवाई में शामिल है तो उसको रोका भी नहीं जा सकेगा। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि 340 की यह इंक्वायरी अनिवार्य भी नहीं है, यदि कोर्ट चाहे तो इसको छोड़ भी सकता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोर्ट आपके द्वारा लगाए गए मटेरियल से कितना संतुष्ट है। यदि किसी ने कहा है कि वह नौकरी नहीं करती है और आपने सरकारी कॉलेज की सैलरी स्लिप रिकॉर्ड पर लगा दी है तो यह पर्याप्त सबूत लगेगा, लेकिन आपने कहा कि वह नौकरी करती है और उसने मना कर दिया तो इतने पर कोर्ट संतुष्ट नहीं होगा। केवल प्लीडिंग्स में कही गई बातें किसी न्यायिक निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकती हैं। यहां आपको अधिक सबूत देने होंगे वरना आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी, और बहुत सारी पार्टीज उनके एडवोकेट्स यही गलती करते हैं कि वे केवल प्लीडिंग्स के आधार पर चाहते हैं कि विरोधी पक्ष के खिलाफ 340 की कार्रवाई शुरू हो जाए, जो कि संभव नहीं है। अगला सवाल है कि किस केस को सेक्शन 340 सीआरपीसी के मामलों का आधार माना जाता है? हमारा जवाब है कि इकबाल सिंह मारवा वर्सेज मीनाक्षी मारवा 2005-4 SCC 370 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है कि 5 जजों की या उससे बड़ी बेंच। हर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हर निर्णय अन्य दूसरी छोटी बेंच के ऊपर बाध्यकारी होता है। जिस बेंच ने निर्णय दिया उससे बड़ी बेंच ही उस निर्णय में परिवर्तन कर सकती है। तो यह मारवा वर्सेज मारवा का केस
सेक्शन 340 सीआरपीसी के लिए आधारभूत है। आजकल 2022-23 में भी जो निर्णय आ रहे हैं उनका आधारभूत वाक्य इसी मारवा वर्सेस मारवा के केस से लिया जाता है। 340 पर वर्तमान हर कानून इसी केस से निकला हुआ है। सवाल है कि जब आप 340 की एप्लीकेशन लगाएं तो क्या किया जाए कि वह एप्लीकेशन डिसमिस ना हो। जवाब है कि इसके कुछ उपाय हैं। पहला, आप इंडियन लीगल सिस्टम से यह एप्लीकेशन लिखवाएं। हमारे एडवोकेट्स की पूरी टीम इसको लिखती है और यह बेहतरीन व बेजोड़ किस्म की ड्राफ्टिंग होती है, लेकिन कई व्यूअर्स के लिए यह एक अपेक्षाकृत महंगा उपाय है। तो इसलिए आप नीचे बताए जा रहे तरीके से एप्लीकेशन लिख लें और फिर उसे शुद्ध करने के लिए इंडियन लीगल सिस्टम के पास भेज दें, जिससे हम नाम मात्र की फीस लेकर परिशुद्ध करके आपको दे देंगे, उसके कानूनी और तथ्यात्मक पक्षों में सुधार करवा देंगे। और दूसरा तरीका जिसमें हमने आपको बताया कि आप एप्लीकेशन को स्वयं लिखें, उसमें देखिए किन किन बातों पर ध्यान रखना है। पहला, छोटा सा दोनों पार्टीज का परिचय दें। दूसरी बात, बहुत संक्षिप्त सा केस का विवरण भी लिखें। तीसरी बात, जो आपका विरोधी पक्ष है उसके द्वारा कोर्ट में दाखिल किए गए झूठे एविडेंस या फर्जी दस्तावेज का हवाला दें या उसके लिए की गई साजिश, प्रयास या उकसावे का हवाला दें कि उसने कौन सा झूठा एविडेंस और फर्जी दस्तावेज कोर्ट में लगाने की साजिश की है, प्रयास किया है या उकसावा किया है। अगली बात है, यह बताएं कि आपके आरोप का सत्यापन स्वयं रिकॉर्ड के द्वारा कैसे हो पा रहा है। इसका मतलब है, जो भी आरटीआई एप्लीकेशन से मिला रिकॉर्ड हो, सर्टिफाइड कॉपी हो, सरकारी सबूत हो, सर्टिफिकेट हो या जो आपका प्रमाणिक आधार हो, वह बताएं। अगली बात है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इस बात को जरूर बताया जाए कि दूसरी पार्टी द्वारा दाखिल इस झूठे एविडेंस या फर्जी दस्तावेज या उसकी साजिश या प्रयास या उकसावे से सार्वजनिक न्याय के सिद्धांत की क्या हानि हुई है। अभी हमने बताया कि कोर्ट किसी भी व्यक्तिगत थाने की अपेक्षा सार्वजनिक न्याय के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जो हानि हुई है उसके लिए अधिक सजग होता है। और अंत में यह बताएं कि कोर्ट इंक्वायरी एक शिकायत संबंधित मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में भेज दी जाए। यह अंतिम बात इसलिए लिखें कि अनेक मजिस्ट्रेट नए जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं और वे इंक्वायरी करने के बाद विरोधी पक्ष को समन कर देते हैं, समन करके उनके ऊपर कार्रवाई करने लगते हैं। जैसे ही ऊपर वाली कोर्ट में रिविजन जाती है तो वह ऑर्डर सेट असाइड हो जाता है। इससे एप्लीकेशन और एप्लीकेंट दोनों बर्बाद हो जाते हैं। वैसे हम इस वीडियो के अंत में एक प्रोफॉर्मा एप्लीकेशन का चित्र लगवा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना काम चला सकते हैं। यदि प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में हमको लिखिएगा, यदि जरूरी हुआ इसको वेबसाइट पर अपलोड करवा देंगे, आप वहां से प्रोफॉर्मा डाउनलोड कर सकेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वेशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान ना कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।